नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 मार्च 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले हम पीआईबी का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्या कंटेस्ट है। हमारे देश में ड्रग्स यानी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा दो नई स्कीम्स को अप्रूवल दिया गया है। नाम क्या है उन स्कीम्स के? स्कीम ऑन प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स और दूसरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मकसद क्या है इन स्कीम्स के लिए अप्रूवल देने का? देखो, वैसे तो हमारे देश का भी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग है। इंडिया जेनरिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग का हब है। हम बहुत सारे देशों को जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। बट देखो, प्रॉब्लम ये है कि जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन ड्रग इंटरमीडिएट्स या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे देश में नहीं मिलते। हम उनको इंपोर्ट करते हैं चाइना से, लेकिन चाइना पे देखो डिपेंडेंस होना ठीक नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल चाइना में महामारी देखने को मिली, तो एपीआई की जो सप्लाई है या फिर ड्रग इंटरमीडिएट्स की जो सप्लाई है वो चाइना से रुक गई, और हमारे देश में जेनरिक मेडिसिन और दूसरे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। तो अब इंडिया ये चाहता है कि हम ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट ना हों। ये बात ना सिर्फ इंडिया ने महसूस की बल्कि यूएसए समेत यूरोपियन कंट्रीज ने भी महसूस की कि ड्रग्स की सप्लाई के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। आगे थोड़ा सा हम मतलब समझ लेते हैं ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का। पहले बात करते हैं ड्रग इंटरमीडिएट की। ये देखो वो ड्रग्स हैं जिनको एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बल्क ड्रग्स की प्रोडक्शन के लिए। फिर से बोलता हूँ, ये वो ड्रग्स हैं जिनको एज ए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बल्क ड्रग्स की प्रोडक्शन के लिए। देखो, बल्क ड्रग्स कह लीजिए या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, समझ गए। तो आप बताइए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है? एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए ये कोई ड्रग है। ड्रग बनाने में देखो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। आपको बाइंडर चाहिए काफी केमिकल्स को बाइंड करने के लिए, प्रिजर्वेटर चाहिए ताकि सेल्फ लाइफ ज्यादा हो, दवाई की टेबलेट की जल्दी से खराब ना हो जाए। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन एक चीज सबसे मेन होती है जिससे एक्चुअली दवाई का पर्पज सिद्ध होता है। मान लीजिए ये जो टेपलेट है पैरासिटामोल है, बुखार ठीक करने के लिए है। तो वो केमिकल जिससे एक्चुअली में बुखार ठीक होगा उसे कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, समझ गए। मैं सिंपल भाषा में फिर से बोलूं, एक देखो टेबलेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो केमिकल, वो प्रोडक्ट, वो एलिमेंट जिससे एक्चुअल में वो पर्पज सिद्ध होता है जिसके लिए दवाई बनी है उसे कहा जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इतना समझ आने के बाद अब स्कीम्स को समझना तो बहुत आसान है। दो स्कीम्स हैं। पहली स्कीम की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स पार्क स्कीम। इस स्कीम में क्या है, 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे इंडिया में, और इसके लिए गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टनरशिप करेगी स्टेट्स के साथ। फॉर एग्जांपल 3 स्टेट्स का चुनाव कर लिया, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी 1000 करोड़ हम आपको देंगे 1 मेगा बल्क ड्रग पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए, बाकी आप अपनी तरफ से लगाइए, समझ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 करोड़ की ग्रांट इन एड देगी, बाकी खर्चा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इस प्रकार से पूरे देश में 3 मेगा पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे जहां पे बल्क ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3000 करोड़ की रकम देगी आने वाले 5 सालों में। ये जो मेगा पार्क्स इस्टेब्लिश होंगे इनमें देखो बहुत सारी कॉमन फैसिलिटीज होगी, जैसे सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, डिसिल्टेशन प्लांट, पावर एंड स्टीम यूनिट, वेस्ट को मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा, जिनको सेटअप किया जाएगा रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में ये मेगा
बल्क ड्रग पार्क इस्टेब्लिश हुआ है तो महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को सेटअप किया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में सिंपली 53 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो हमारे देश में क्रिटिकल बल्क ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उनको इंसेंटिव दिया जाएगा सेल्स बेसिस पे, मतलब जितना ज़्यादा उनके इंग्रेडिएंट्स बिकेंगे उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा आने वाले 6 सालों में। तो इंसेंटिव उनके पास होगा तो वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे APIs की, यानी बल्क ड्रग्स की। तो इससे हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो कम होगी। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश की जाएगी इस एजेंसी के द्वारा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, UK यानी यूनाइटेड किंगडम इस कोलिशन को चेयर करेगा। देखो ये जो कोलिशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में, जब US के न्यूयॉर्क शहर में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो उस मौके पर इंडिया के द्वारा ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलीजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था इस कोलिशन को लॉन्च करने का, ये देखो एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आकर विभिन्न कंट्रीज अपनी अपनी एक्सपर्टीज अपनी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलिएंट बनाया जा सकता है, चाहे वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हो। रिजिलिएंट का क्या मतलब है, रिजिलिएंट का मतलब देखो ये है कि कल को कोई डिजास्टर आ जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान पहुंचे और लोग जो हैं डिजास्टर को आसानी से झेल जाएं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जापान में आपने घर देखे होंगे शेप या फिर मटेरियल इस प्रकार का इस्तेमाल होता है कि भूकंप अगर आता है तो घरों को कम से कम नुकसान पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे काफ़ी ज़्यादा रिजिलिएंट है क्योंकि भूकंप काफ़ी ज़्यादा आते हैं जापान में। ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, जब केरला में फ्लड्स आई थी बार बार राइटर्स ने ये कहा था कि लगातार दूसरे साल केरला में फ्लड्स आई हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिजिलिएंट होना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो फ्लड्स को आसानी से झेल जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये मकसद था इस कोलिशन को लॉन्च करने का कि विभिन्न देश आपस में अपनी एक्सपर्टीज अपने नॉलेज शेयर करें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलिएंट बनाया जा सकता है। कितने मेंबर हैं मार्च 2020 तक, देखो इस कोलिशन में अभी तक 15 मेंबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, जर्मनी, इटली, इंडिया, जापान, मॉरिशस, मालदीव, मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, UK, US। सेक्रेटरिएट कहाँ पे है इस कोलिशन का, देखो न्यू दिल्ली में जो NDMA है यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये अभी फिलहाल इस कोलिशन के लिए इंटरिम सेक्रेटरिएट का काम कर रहा है। मतलब अभी कोई पूरी तरह से सेक्रेटरिएट इस्टेब्लिश हुआ नहीं है इस कोलिशन का, लेकिन NDMA जो न्यू दिल्ली में है ये इंटरिम सेक्रेटरिएट का काम कर रहा है इस कोलिशन के लिए। चलते हैं आगे, अगला आर्टिकल SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है, आपको याद होगा हाल ही में SAARC के मेंबर कंट्रीज के लीडर्स ने आपस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो अब SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने COVID-19 महामारी के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए स्पेशली एक वेबसाइट लॉन्च की है। तो इस सेंटर के बारे में हम जान लेते हैं, इसको सेटअप किया गया था 2017 में, ऑलमोस्ट 3 साल पहले। देखो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कैंपस है वहां पर ये SAARC डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है। जैसा आपको पता है SAARC में 8 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इस इंस्टीट्यूट में भी 8 मेंबर कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है और 8 मेंबर कंट्रीज को ये सेंटर सर्व करता है। मकसद क्या है, मकसद तो सिंपल है, ये 8 मेंबर कंट्रीज अपनी इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज शेयर करेंगे आपस में,
ताकि इस रीजन में जो डिजास्टर्स आते हैं उनसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली निपटा जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया फ्रांस ज्वाइंट पेट्रोलिंग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये पहली बार हुआ कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर रीयूनियन आइलैंड से ज्वाइंट पेट्रोलिंग की। आप इंडियन ओशन में जो रीयूनियन आइलैंड है इसकी लोकेशन देख लीजिए। मेडगास्कर के पास है ये रीयूनियन आइलैंड। ये देखो फ्रांस का ओवरसीज आइलैंड है, फ्रांस से काफ़ी दूर है, लेकिन पुराने समय में फ्रांस की कॉलोनी रहा था और अभी भी फ्रांस के पास ही है ये रीयूनियन आइलैंड। तो आप चौंक मत जाइएगा अगर इस प्रकार का मैच द फॉलोइंग यूपीएससी करवा लेती है कि रीयूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में है, तो आप हैरान मत हो जाइएगा कि इंडियन ओशन का कोई आइलैंड फ्रांस का कैसे हो सकता है। ये फ्रांस का आइलैंड है, मेडगास्कर के पास है। तो यहां से ज्वाइंट पेट्रोलिंग की गई इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर। ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग फरवरी के महीने में की गई थी। न्यूज पीआईबी में अभी क्यों आई है कोई आइडिया नहीं है। और ज्वाइंट पेट्रोलिंग में P-8I एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था और इस एयरक्राफ्ट पर फ्रेंच नेवी के पर्सनल भी मौजूद थे। देखो इंडिया इंडियन ओशन में जो पड़ोसी देश हैं इनके साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सर्विलियंस करता है, जैसे मालदीव के साथ मिलकर, सेचल्स के साथ मिलकर, मॉरिशस के साथ मिलकर। इसके अलावा कुछ दूसरे देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के द्वारा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग भी की जाती है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। लेकिन ये इंडिया सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों के साथ करता है। यूएसए ने बोला इंडिया को कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर लेते हैं। इंडिया ने कहा नहीं भैया, हम आपके साथ नहीं करेंगे, आप हमारे आस पड़ोस में नहीं आते हो। मेन रीजन इसका ये था कि इंडिया को ये लगता है कि हम यूएसए के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे तो इससे चाइना नाराज हो सकता है। तो चाइना की नाराजगी मोल ना लेते हुए इंडिया ने यूएसए को मना कर दिया, हम आपके साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने आस पड़ोस के देशों के साथ करते हैं। अच्छा, क्यों की जाती है ये कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग? ये देखो इसलिए की जाती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस जो हैं लॉस ऑफ सी के ऊपर, उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए। जैसे देखो इन कन्वेंशंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, इंटरनेशनल हाई सीज। हाई सीज वो सीज होते हैं जो किसी भी देश के EEZ में यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आते हैं। ऐसा समुद्र का पानी जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है। तो ऐसे हाई सीज में नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, मैरीन एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, स्मगलिंग को रोकना, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना, पायरेसी को रोकना, इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये सब चीजें आती हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉस ऑफ सी में। तो इनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर करने के लिए इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करता है। देखो इंडिया हाल ही में इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्जर्वर भी बना था, इसके बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। और ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो रीयूनियन आइलैंड है ये देखो इंडियन ओशन कमीशन का पार्ट है। आगे एक बात, गगन शक्ति एक एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट की जाती है अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर कंडक्ट करता है। वरुण ये नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ एयर एक्सरसाइज है, शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के बारे में है, यानी EMC 2.0। क्या कंटेस्ट है? यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दिया कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। इस स्कीम की सहायता से देखो सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि हमारा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हब बने। मैं फिर से बोलता हूँ, मोबाइल और मोबाइल के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमारा देश पूरी दुनिया में हब बने, ये इंश्योर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इस स्कीम में
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहां पे सरकार बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी ताकि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की और मोबाइल कंपोनेंट्स की। ये स्कीम नेशनल पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। स्कीम सपोर्ट करेगी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को सेटअप करने के लिए। फोकस देखो इस बात पर होगा ESDM सेक्टर के लिए। ESDM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ESDM सेक्टर के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सुविधाएं या फिर कॉमन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना। स्कीम कॉमन फैसिलिटीज सेंटर्स को सेटअप करने के लिए भी सपोर्ट करेगी। इसके अलावा क्लस्टर्स देखो उन एरियाज में इस्टाब्लिश किए जाएंगे जहां पे ऑलरेडी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। फोकस कॉमन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने पर भी होगा। और जैसा हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पर भी होगा। अभी देखो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो शेयर है वो 3% है। वैसे 2012 में ये सिर्फ 1.3% था, तो काफ़ी कुछ हमने प्रोग्रेस की है इस फ्रंट पर, लेकिन अभी भी हमारा शेयर काफ़ी कम है, इसे और इंक्रीज करना है। और वैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन जो है हमारे देश की GDP में अभी सिर्फ 2.3% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया EMC 2.0 स्कीम के बारे में। 2.0 इसलिए क्योंकि ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही। आज हमने 5 आर्टिकल्स डिस्कस किए, इंडिया फ्रांस जॉइंट पेट्रोलिंग, हमने ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने संबंधित स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया, हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के बारे में भी डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।